बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमीन्स किचन। आज हम आपको दो तीन किस्म की चटनी बनानी बताएंगे, जो कि सबसे पहले कच्चे आम की चटनी है। आप शक्ल से देख के कह रहे होंगे ये इतना कच्चा नहीं है, तो वाकई ये बहुत ज़्यादा कच्चा आम नहीं है। आप थोड़ा जो ग्रीन वाला होता है, जिसे कैरी या अम्बी भी कहते हैं, वो ले लें, या फिर आप इस तरह का भी ले लें जो थोड़ा खट्टा अगर कम है, तो आप फिर उसमें थोड़ी चीनी ज़्यादा डाल लेंगे। आए हम ये चटनी शुरू करते हैं। ये नाश्ते में पराठे के साथ, रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है। अब हम पहला काम करते हैं कि सबसे पहले हम एक दरमियाने साइज़ का प्याज, वो हमने चॉप किया हुआ था, वो डाल दिया। देखिए मोटा मोटा डाला है। साथ हमने 1 कप धनिया, वो भी रफ सा हमने चॉप किया, मोटा मोटा सा काटा है, हमने वो डाल दिया ब्लेंडर के जग में। साथ ही आपने इसमें 2 कप पुदीना मैंने लिया है, उसको वो भी मतलब पत्ते उतारे हैं, वो आप बीच में डाल दें। ये 2 कप है पुदीना, 1 कप धनिया और एक मीडियम साइज़ ऑनियन, वो भी आपने मतलब नॉर्मल चॉप कर लेना है। इसके बाद मैंने 3 नॉर्मल साइज़ आम लिए थे, बहुत बड़े नहीं थे ना बहुत छोटे थे, उनको इस तरह काट लिया था, वो आप इसमें डाल दें ब्लेंडर के अंदर सारा। ये देखिए सारा आम भी डल गया, और ये आप देख रहे होंगे कि ये जग है बड़ा, इसके अंदर सारा आ रहा है, तो आप भी जग में ही यूज़ कीजिएगा। अब साथ रेड मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, 4 से 5 सब्ज मिर्चें, वो आप थोड़ी इस तरह बारीक तोड़ लें, या आप साबुत भी डाल दें। ये हमने सारा कुछ इस तरह डाल दिया इसमें, और साथ ही इसमें सफ़ेद धनिया कुटा हुआ हल्का सा, वो हमने डाला है 1 टीस्पून, और 1/2 कप चीनी आपने डालनी है। ये चीनी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, आप गुड़ डाल लें, आप शक्कर डाल लें, लेकिन ये बहुत मज़े की चटनी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे, इसको अब हम ब्लेंड करेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से आपने इसको ब्लेंड करना है। चटनी हमारी तैयार हो गई है, इसको अब आप किसी भी बोल में डाल लें। पराठे के साथ बहुत मज़े की लगती है, रोटी के साथ या चावलों के साथ, सैलड के साथ, कोई भी आप चीज़ बनाएं शाम में स्नैक्स के साथ, बहुत ये खट्टी मीठी सी चटनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अमीन्स किचन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।